वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ गिफ्ट्स। तो ये गिफ्ट्स मिले हैं ऑफिस से नी को, तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। नी तो अभी नहीं है हमारे साथ, नी गया है कहीं गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने, तो हम उसके गिफ्ट खोल रहे हैं उसके पीछे से, तो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है इस गिफ्ट में। तो चलो स्टार्ट करें। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला गिफ्ट पापा बताएंगे हम कौन सा खोलने वाले हैं। ये वाला तो हम खोल रहे हैं, ये वाला गिफ्ट। तो बताओ इसके अंदर क्या होगा। हम गेस कर रहे हैं कि क्या होगा, देखते हैं कौन ज्यादा गेस करता है। बिस्किट। मैं गेस। इसके अंदर कुछ वो है, कटलरी टाइप, मतलब वो है इसके अंदर कटोरियां। चलो देखते हैं। तो पापा दिखाएंगे आपको खोल के किसका गैस होने वाला है सही। मुझे उम्मीद है मेरा ही सही होने वाला है। चलो देखते हैं जिसका सही होगा। और बहुत ही मेहनत के बाद फाइनली पापा का गिफ्ट जो है खुलने वाला है। अब मैं देखूंगा इसमें क्या चीज है। बहुत सुंदर। तो ये है कप सेट और ये काफी अच्छा कप सेट है। चलो एक गिफ्ट बच्ची का। तो चलिए कप सेट हम साइड में रख लेते हैं। अब कौन सा खोलेंगे। अब हम खोल रहे हैं ये वाला जिसमें कि जैसे ये बज रहा है ना, इसमें ड्राई फ्रूट्स या बिस्किट समथिंग है। इसमें है काजू, हाँ इसमें ड्राई फ्रूट्स या समथिंग ऐसे ही कुछ है। तो हम खोल लेते हैं। तो ये नितिन के गिफ्ट हैं जो कि पापा और मैं ऐसे खोल रहे हैं जैसे हमें ही मिले हैं। ये मिले हैं नितिन को और इससे सारे। चलो कोई नहीं, हम भी खोल सकते हैं। नहीं यहाँ से ही दिख जाएगा। हाँ ये है ड्राई फ्रूट्स। मैंने कितना बढ़िया, मैंने भी सेम गेस किया था, देख लो आप। ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर है, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा ये छोटे से उसमें ड्राई फ्रूट। नाइस। तो चलिए अब नेक्स्ट गिफ्ट खोल लेते हैं। ये खोलते हैं। तो ये हम पहले जो जिन पे पैकिंग लगी हुई है वही खोल रहे हैं, क्योंकि हमें गेस करने में आ रहा है मजा। उसके बाद हम आपको सारे गिफ्ट दिखाएंगे। इसमें है कटोरी मेरे ख्याल से, इसमें एक बड़ा सा बाउल होगा शायद। देखते हैं। अभी तक मैंने दो सही दिए, पापा का एक ही सही हुआ है। सही है, सारे सही है मेरे तो। ओ, इसमें कुछ अलग सी चीज है। अब क्या चीज है ये तो? इसमें अगर परफ्यूम निकल गया ना तो मैं रखूंगा इसको। निस्तन को ना बताएंगे हम इसमें परफ्यूम निकला है। अभी निकलेगा क्या ये तो? ये तो है भी कोई खतरनाक चीज है। क्या चीज है? यहाँ पे फ्लास्क सेट ही है इसमें। इसमें वही है ये चीज है। अब देखेंगे क्या चीज है इसके अंदर। ओ, ये वही आ गई जो मुझे चाहिए था मम्मी। तो ये है हमारी वाटर बोतल जो मैं ही यूज करूंगी, नी नहीं यूज करेगा इसको। और दो कप है इसके साथ में, तो इसको हम रख लेंगे। ये तीसरा कप जिसको हम यूज करेंगे। तो ये हो गई है मेरे नाम जो कि मैं ही यूज करूंगी। चलो तो इसको हम साइड में रख देते हैं। वैसे नितिन अब देख ही लेगा क्योंकि हमने वीडियो में दिखा दिया है, तो मार नहीं सकते, परमिशन के साथ रखेंगे। तो हम खोलेंगे ये। यस, तो ये तो बाहर से ही दिख रही है हमें। ये हमारी फेवरेट जो हम खोल लेते हैं, हम दिखा देते हैं आपको क्या क्या वैरायटी है इसके अंदर। चॉकलेट है इसमें। ये है मेवा बाइट्स, आप सबने खाई होंगी वैसे, बहुत पॉपुलर है। लेकिन मैंने आज तक नहीं खाई, मेरे को उम्मीद थी कि मैं लूंगी इन्हें किसी दिन। तो मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट पापा को होते हुए। ये चीज के लिए तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, क्योंकि खाने पीने की चीजों में ना मेरा ध्यान बहुत रहता है, तो इसलिए। तो इसके अंदर है टोटल कितनी है, ये 15 है इसके अंदर। 15 है और जिसमें कि अलग अलग फ्लेवर्स है, 15 के 15 आई थिंक। सब अलग अलग है। 15 नहीं है, कुछ कुछ कॉम्बिनेट, मतलब कुछ कुछ है जो 3-3 है हर किसी की। बट इट्स नाइस, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। तो चलिए अब मैं दिखाऊंगा ये।
ये बाबा पहले ही देख चुके हैं, ये पैक थी ये सारी चीजें जो हमने इतनी हम एक्साइटेड थे कि हमने खोल ली है पहले ही। तो ये जो है टिफिन है, पर देखता हूँ कैसा टिफिन है इसमें। ये नॉर्मल वाला टिफिन है, आई थिंक ये कांच वाला ही टिफिन होगा, इसमें ऐसे ही शो हुआ है, लेकिन अच्छा दिख रहा है टिफिन। अब देखते हैं क्या चीज है। अरे वाह, हाँ ये लंच बॉक्स ही है जिसमें पापा की पूरी पूरी नजर है। दो कांच के हैं और दोनों ही मेरे टिफिन हो जाएंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छी है। सारे गिफ्ट पापा और मेरे ही होंगे, वो गिफ्ट लेकर आया उसके नहीं होंगे। वो तो मैंने लिया था, उसने लिया बात यही बोल के पापा सारी चीजें रख लेंगे, देखना आप थोड़े दिनों बाद। ये नितिन का हो गया, चलो अब तो नेक्स्ट। चलो अब नेक्स्ट हम खोल लेते हैं। तो चलो इसमें हम गेस कर लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें भी लंच बॉक्स ही है क्योंकि बहुत हल्का है। ये वो वाला लंच बॉक्स है जो वैसा वाला। चलो देखते हैं, मेरे को भी लग रहा है लंच बॉक्स। पापा मेरी चीटिंग कर रहा है, देखा होगा पहले मैं गेस कर रही हूँ तो उसके बाद पापा गेस मार रहे हैं। मैं देखा थोड़ी है। और ये हम खोलते हुए अब देखते हैं इसमें क्या चीज है। मैंने गेस किया है गिफ्ट खोलने के लिए पापा इतने एक्साइटेड रहते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही खजाना निकलेगा अंदर से। और इसमें टिफिन बॉक्स ही है हकीकत में। सी मेरे गेस, मैंने एकदम सही गेस मारे हैं। अब ये देखते हैं क्या टिफिन। ओ ये प्लास्टिक वाला टिफिन है जैसा कि नहीं अभी यूज कर रहा है। आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो ये देखते हैं। ओ ये कलर बहुत अच्छा है। तो ये जो है ये टिफिन सेट जो है ये मेरे लिए होगा। सारे टिफिन सेट होंगे पापा के लिए। हाँ तो भाई बड़े आदमी के लिए बड़े टिफिन सेट होने। ये अच्छा है, इसको मैं यूज करूंगी। और ये टिफिन सेट बहुत बढ़िया है, इसमें दो ये हैं। नाइस। और इसमें आगे इसमें है, तो इसमें दो ये है और ये पूरा सेट है जिसमें आपको दो चम्मच भी दी हुई है। ये फर्स्ट क्लास सेट है। तो नाइस, ये वाला टिफिन सेट जो है वो मैं यूज करूंगी क्योंकि मेरे पे ऐसा वाला नहीं है। हाँ सबको मार रहे। चलो अब आती है बारी। तो अब है नेक्स्ट। इसको आप वैसे ही गेस कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसको इसके अंदर वाली चीज के लिए हम इतना एक्साइटेड है जितना हम इसको ये कौन रखेगा इसको खत्म होने के बाद उसके लिए एक्साइटेड है। बहुत अच्छे हैं। तो ये बॉक्स मैं यूज करने वाली हूँ। ये है, अब मैं इसमें बता दे, हो सकते हैं वजन के हिसाब से काजू बादाम रखना मेरे को। काजू बादाम इसमें है 3 डब्बे, एज आई कैन गेस ऑन दैट। वजन इसमें है 3 डब्बे। अब 3 में क्या क्या होगा। काजू बादाम किशमिश लग रहा है मेरे को, या काजू बादाम कुछ भी हो सकता है। काजू बादाम किशमिश ही होगा। देखेंगे ये डिब्बे है। नो काजू बादाम और पिस्ता है। ये देखो ये काजू बादाम भी है, बादाम और पिस्ता, ये 3 डिब्बियां इसके अंदर थी और ये डिब्बा था इसके अंदर। बहुत सुंदर और बहुत जबरदस्त चीज है, खाने में मजा आएगा। और ये तो ये है, ये वाला स्टाइल बहुत अच्छा है इसका, लॉक का। लॉक का देखो, तो ये बहुत अच्छा है। चलो ये भी, तो चलो अब ये भी सेम है बट इसका देख सकते हो पैटर्न, मुझे डब्बों के बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये लग रहा है मेरे को इसमें कुछ और चीज है। ये भारी है, ये थोड़ा ज्यादा वाला होगा। तो इसमें जो है वो बट ये भी सेम है, लेकिन मुझे लगता है इसमें काजू बादाम या कुछ और चीज है। तो चलो खोल लेते हैं कि क्या है इसमें। ये खोल के पता लगेगा कि चीज है क्या इसके अंदर। पापा पूरा एक्साइटेड है ये देखने के लिए क्या चीज है। इसमें तो देख रहा था खुलेगा तो देखूंगा। ये लॉक कैसे खुलेगा, बस ये नहीं इसका लॉक खोलने का नहीं, यूं खुलेगा, नीचे दबेगा ऊपर दबेगा। हाँ ये खुल गया लॉक। और इसमें भी काजू बादाम पिस्ते, और ये भी सेम है काजू बादाम पिस्ते। काजू बादाम पिस्ते है इसमें भी, ये भी डिब्बियां बहुत बढ़िया बड़ी हैं। तो ये अच्छा काजू बादाम पिस्ते है, आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। डिब्बे आप बहुत अच्छा है, नाइस। अगर कोई गिफ्ट देना चाहे तो ये अच्छा है, अच्छा गिफ्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है ये तो नेक्स्ट नॉर्मल ड्राई फ्रूट जो हमें दिख ही रहा है, दिख ही रहे हैं। तो ये है नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स का डब्बा। अब ये है और ये है कुछ यूनिक चीज जो हमने भी पहली बार देखी, जो हमें लगा कि कोई दे सकता है एज अ गिफ्ट। तो ये देखेंगे क्या चीज है। तो इसमें से कुछ हम बांट भी चुके हैं, तो ये देख, लेकिन इसमें कुछ बचे हैं जो हमने सोचा हम आपको दिखा दे। ये दिवाली गिफ्ट मिला है नीको, दिवाली गिफ्ट है और इसमें कुछ दे दी हमने लोगों को। और ये हम आपको दिखा देते हैं कि ये है सेब की पेटी थी, ये पूरी पेटी थी और साइज
और सीधा साइज एप्पल का, एप्पल जो है बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा एप्पल है, बहुत बढ़िया मतलब। ये देखिए साइज आप एप्पल का, साइज है बहुत बढ़िया है मतलब, तो अच्छा ये एकदम बढ़िया एप्पल है। तो ये पूरी 20, इसके अंदर 20 सेब थे पूरे। हाँ, तो ये इन टोटल एप्पल। तो ये चीज भी अच्छी है, अगर कोई गिफ्ट देना चाहे तो कुछ यूनिक एज ए फ्रूट की पेटी दे सकते हैं, जो कि हमने भी आज तक नहीं सोचा, हमें पहली बार देखने को मिला ऐसे दे सकते हैं। ये तो सिंपल सा है, इसमें तो ये है, इसमें तो डार्क फैंटेसी है जो कि बहुत नॉर्मल चीज है, बट ठीक है, अच्छा है, फेस्टिवल में बच्चों के यहाँ दे सकते हैं ऐसी चीजें। ये भी उसके बाद ये इसमें कुछ चॉकलेट्स है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ उसमें कौन कौन सी है। यहाँ से टेयर करो, ये जो है हम आपको दिखा सकते हैं क्या क्या चीज है इसके अंदर, और ये बाहर निकला डिब्बा और ये चीजें इसके अंदर है। तो इसके अंदर है तीन टाइप्स की मिनी चॉकलेट्स है, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, दे सकते हैं। ये मिनी चॉकलेट्स है, जैसे कि ये स्नीकर है और ये अच्छी चॉकलेट, ये बार्स है, बढ़िया चॉकलेट है, और ये बंटी है, ये बंटी बबली है पता नहीं, तो अच्छा है कि आप यूज कर सकते हैं इसको, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसको पैक कर लेते हैं। अब रहा हमारा ये वाला, अब इसमें क्या हो सकता है। तो पापा इतने एक्साइटेड है, पापा मुझे पहले एक डब्बा बंद नहीं करने दे रहे हैं। इसमें क्या चीज हो सकती है तो देखना है। तो खोलो, तो क्या एज पर मी इसके वजन के हिसाब से मैं बता सकूं, इसमें बेड शीट या टॉवल है? नहीं, मुझे भी लगता है इसमें बेड शीट हो सकती है। हाँ वैसे बेड शीट ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो वही होगी जैसा कि वेट है उस हिसाब से, तो यही है इसके अंदर। आज के अंदर बेडशीट टाइप ही कुछ लग रहा है, इधर से लग नहीं रहा है, फिर देखना है, गेस करना है, गेस। मैंने सही गेस कर रखा है, इसमें बेडशीट हो सकती है। इसमें डबल बेड की बेडशीट ही है। बहुत जबरदस्त पैकिंग कर रखी भाई, काफी जद्दोजहद के बाद हम फाइनली तक खोल पाए। ये बेड शीट है, डबल बेड की सीट है, अच्छा हुआ है मतलब। तो ये है बेड शीट जो कि आप देख सकते हैं, तो इसमें पिलो कवर होंगे, ये कवर और चादर, और ये बेड शीट है, आई थिंक ये डबल बेड की शीट है, अच्छी है मतलब। हाँ, बट अच्छी है, बेड शीट है, बहुत सुंदर है, तो अच्छी है ये। लो, ये तो हो गई बेड शीट। उसके बाद ये मिला है हमें नीको, मतलब हमें तो कुछ नहीं मिला तो ये है रसगुल्ले का डब्बा जो नीको मिला है, और ये है काजू कतली जो नॉर्मली, काजू कतली का डिब्बा, ये तो साफ दिख रहा है काजू कतली लिखी हुई है, तो ये काजू कतली का डिब्बा है, ये भी हमारा रख सकते है, इसमें भी मुझे लगा। उसके बाद ये वाला है जिसमें कि नमकीन और दो नमकीन और सोन पापड़ी है, बहुत आजकल ये सोन पापड़ी बहुत ज्यादा चल गई है, जो कि आई हेट बट नी लव्स, तो नी के लिए हम रहने देंगे। ये है इसमें लड्डू है, सोन पापड़ी और दो नमकीन है, तो ये है इसमें लड्डू, सोन पापड़ी और दो नमकीन है, जिसमें फिर से सोन पापड़ी है जो नी को पसंद है और हमें तो बिल्कुल, तो ये हम सिर्फ नी के लिए रखेंगे क्योंकि हम में से कोई नहीं खाता है नी के अलावा। चलो अब रहा मेरा ये गिफ्ट, इसमें जो है केटल है, इसमें है केटल इलेक्ट्रिक वाली, ये इलेक्ट्रिक केटल है, ये ऑलरेडी पापा को भी मिली थी एक दिवाली पे। हाँ, तो ये जो है, और नी को भी सेम केटल मिली है, तो हम इसे यूज, हमने पहले वाली भी अभी तक नहीं करी है तो हमें उम्मीद नहीं है, ये भी हम करेंगे, ये भी हम रखे रखेंगे। और ये डिब्बा इसमें क्या है पता नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो इसको हम खोल, आई थिंक इसमें कुछ कुछ चॉकलेट्स ही होंगी, चॉकलेट्स वगैरह हो सकती है, हल्का है तो पता लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ होगा, इसको जरा देखिए क्या चीज है। और ये बहुत सुंदर डिब्बा है, डिब्बी जो है तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये समथिंग कुछ अच्छा है, लेकिन चीज क्या है ये पता नहीं है, लेकिन ये चीजें इसके अंदर है, लेकिन चॉकलेट ही है, लेकिन अच्छी वाली है। क्या चीज है ये? चॉकलेट्स है,
ये अलग अलग फ्लेवर्स की चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट है, खुशबू बहुत अच्छी है, मतलब उसकी खुशबू अभी तो इतनी दूर तक खुशबू आ रही है, तो नाइस, बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब बहुत। तो ये डब्बा मैं रख लूंगी अपने लिए, डिब्बा रख लेना। इसमें बहुत सारे फ्लेवर हैं, ये पान का फ्लेवर भी है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर है, फ्लेवर्स हैं। मैंने ही पहली बार देखा ऐसा कोई गिफ्ट, बहुत देखे, बहुत अच्छा है, अच्छा है, लेकिन ये अच्छा दे रखा है। ये देखो, ये चॉकलेट देखो, अलग अलग तरह की है, दो ऐसी है, दो ऐसे कलर है, इसमें स्क्वायर शेप की चॉकलेट है, और ये वो तो हम आपको इसको जब खाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि गिफ्ट हमारे नहीं है, हमें परमिशन लगेगी खाने के लिए, जब नी वापिस आ जाएगा उसकी परमिशन लेने के बाद ही खाएंगे। चॉकलेट इसके अंदर है, पापा को वो कुछ नहीं बोलेगा, और मैं अगर इसको खा भी सकता हूँ, लेकिन क्या है, मेरे को परमिशन इसे खाने की, तो तुम खा सकते हो, लेकिन सिर्फ पापा को है, पापा ऐसे कैसे खा लोगे मेरे बिना। तो इसलिए जो है हमने अभी, जब नितिन आ जाएगा नी के बाद, तो चलिए जब तक पापा ये वाला समेट रहे, मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट गिफ्ट, जो है एक और स्टील टिफिन, और ये भी नॉर्मल स्टील टिफिन है, जैसे कि कांच का था सेम उसी तरीके से ये स्टील का है। तो ये बहुत ही सुंदर है, तो आप सोच रहे होंगे कि गिफ्ट तो हम पहले ही खोल चुके हैं। हाँ, हम खोल चुके हैं, लेकिन हमने अंदर के नहीं खोले, क्योंकि हम बाहर से ही देख के समझ गए कि इस पे क्या है। अरे खोलो, और ये सारे हमने ही खोले, नीने अभी तक नहीं खोला है कोई भी। अरे ये भी बढ़िया है, ये मेरे काम। तो ये पूरा पूरा वाला टिफिन है, जो पूरे सेट्स होते हैं, तो इसमें पूरा मतलब तीन टिफिन वाला है ये। ओके, ये तीन ऐसे वाले बॉक्स हैं और एक ये गिलास वाला है उसमें, तो ये अच्छा है गिलास, तो हम बॉक्स भी अच्छे हैं, इसमें लस्सी ले जाने के लिए, और ये है गिलास, तो ये मेरे काम आ जाएगा, सब चीज पापा के काम आएंगी, नहीं के काम नहीं आएंगी, लेकिन ये गिलास बढ़िया है, गिलास हो गया, एक टिफिन, एक छोटा टिफिन, एक और साइज का टिफिन, सलाद का एक, ये सारे डिफरेंट साइज के हैं तीनों, लेकिन अलग अलग है, लेकिन अच्छे हैं टिफिन, बहुत सुंदर है टिफिन का, ठीक है। तो ये तो चलिए इसके बाद हम खोलने वाले हैं सबसे बड़ा गिफ्ट हमारा, अब ये ऑलरेडी खोल चुके हैं, ये तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि वो है, बहुत सुंदर चीज है, और तो ये आपको है, दिखा देते हैं क्या चीज है इसमें, और ये गिफ्ट है, और तेरे तो ये है ढक्कन, बहुत सुंदर चीज है भाई, और ये है हमारी ट्रॉफी। तो ये कुछ इस तरीके का है, जो कि वाह, ये तो मतलब ऐसे, ये विश्व कप है, ये विश्व कप है, इसको ऐसे उठाया जाता है, हम दोनों जीत चुके हैं, ट्रॉफी हमको मिली है, और इसमें जो है ऐसे खोलना नल है लगा हुआ, ये बहुत सुंदर, तो ये हमारे जो काम आएगा वो आएगा हमारा पानी पूरी का, जब हम पानी बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, उसको भरने के लिए हम यूज करेंगे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत हैवी है, वजन है इसमें, कांच का है लेकिन वजन है, ये बहुत अच्छा हुआ है। चलो तो चलिए, ये था हमारा फाइनल सारा कुछ गिफ्ट्स का, जो कि हमने आपको दिखा दिया है कि क्या क्या हमें मिला है, मतलब हमें नहीं मिला है, नी को मिला है ऑफिस से, बाकी अगर हमें आगे कुछ और अच्छा मिला, एक्साइटिंग मिला, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए, तो तब तक के लिए बाय बाय।